देखे तो हो रहा है सीधा ही लगता नहीं। आज हम लोग भारत की नदी प्रणाली के बारे में क्लास नाइन्थ में और विभिन्न कंपटीशन में आय संवेदा छात्रवृत्ति और अन्य तरह के परीक्षाओं में या बीपीएससी यूपीएससी के हैं उन सभी चीज़ों में पढ़ना पड़ता है। तो इसको बेसिक रूप में सबसे पहले आज जानेंगे कि मतलब कि भारत की नदी प्रणाली कैसी है। तो भारत की नदी की प्रणाली को हम मुख्यतः दो भागों में बांटते हैं, हिमालय की नदियाँ जो हैं और एक है प्रायद्वीपीय नदी। हिमालय की नदी का मतलब है कि जो हिमालय से बहने वाली नदी है, जो मतलब कि उत्तर में जो हिमालय है, जो हम मैप में देखते हैं ऊपर में हिमालय जो है वो पूरा मतलब श्रीनगर से ऐसे करके हिमालय जो नेपाल से होते हुए पश्चिम बंगाल तक ऐसे जो क्षेत्र है वो पूरे में मतलब हिमालय की नदियाँ आती हैं। और मध्य और भारत का और दक्षिण में जो नदियाँ हैं उसे हम प्रायद्वीपीय नदी के नाम से जानते हैं। सबसे पहले हम लोग हिमालय नदी के बारे में जानेंगे, उसमें तीन तरह के नदी तंत्र के बारे में बात किया जाता है, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। अगर हम बात कर रहे तो मैप पर हम देखने की कोशिश करेंगे, सबसे पहले हम सिंधु नदी तंत्र के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये भारत के आप देख सकते हैं सबसे मतलब कि ये ताज या कह सकते हैं कि हिमालय की आपको एक तरह से मतलब कि हम फिगर यहाँ प्रेजेंट कर रहे हैं जिसमें ये सिंधु नदी तंत्र के बारे में बात कर रहे हैं। सिंधु नदी जो है वो हम लोग ने पीछे क्लास में पढ़ा है कि जास्कर और लद्दाख और जास्कर दोनों जो श्रेणी है कारक में हम लोग जो श्रेणी बोलते हैं ट्रांस हिमालय के जो मैं चार श्रेणियां बताए थे उस श्रेणी में ये दो श्रेणी आती हैं जास्कर और लद्दाख, उन दोनों के बीच से होकर के एक नदी बहती है वो सिंधु नदी है जिसका उद्गम स्थल मानसरोवर झील है ना माना जाता है तिब्बत में और वहाँ से निकलता है नदी और ये गिरता है कैसे जम्मू कश्मीर से ऐसे होते हुए पाकिस्तान, ये है पाकिस्तान से होते हुए ये क्या होता है कि अरब सागर में गिर जाती है नदी। और इसी नदी में हम बात करेंगे पांच और नदियाँ, सिंधु नदी तंत्र में पांच अन्य नदी मिलती हैं और उसके बारे में बात करेंगे। कुल मिलाकर छः नदी होती हैं सिंधु नदी तंत्र में, जनरली हमको जानना है। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो इसमें एक झेलम नदी है वो बैरीनाथ झील जम्मू कश्मीर से निकलती है और वो कहाँ मिलती है, चिनाब में मिलती है। तो हम सभी के बारे में सिंधु में पांच नदी मिलती है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। झेलम, चिनाब, ध्यान से देखेंगे, झेलम, चिनाब नदी, रावी, ब्यास, सतलज। अब देखेंगे झेलम कहाँ से निकलती है, बैरीनाग झील जम्मू और कश्मीर से निकलती है और ये चिनाब नदी में जाकर मिलती है। और चिनाब नदी कहाँ से निकलती है, बारालचा दर्रा से ये उत्तराखंड से निकलती है। बारालचा दर्रा हमने बताया भी है, हिमाचल प्रदेश से निकलती है, बारालचा दर्रा हिमाचल प्रदेश से, और ये निकल करके सीधे डायरेक्ट ये कहाँ जाती है, सिंधु नदी में, ये जो है वो सिंधु नदी में मिल जाती है। सिंधु नदी की सहायक सबसे बड़ी नदी अगर आपसे कोई पूछे तो आप बताएंगे चिनाब नदी। बारालचा दर्रा से निकलती है, जो बारालचा कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है, बारालचा हिमाचल प्रदेश में है। इसके बाद एक और नदी है रोहतांग दर्रा से निकलती है रावी नदी और ये कहाँ मिलती है, चिनाब में मिलती है। रोहतांग दर्रा भी हिमाचल प्रदेश में है, रोहतांग दर्रा भी कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है, और ये वहाँ से निकलती है एक रावी नदी और ये चिनाब में मिल जाती है। फिर आगे एक बात करेंगे, रोहतांग दर्रा के समीप से ही एक और नदी निकलती है जो ब्यास नदी है और वो मिलती है वहीं पर कहाँ, सतलज में मिलती है। और राकस ताल मानसरोवर झील तिब्बत से ही एक नदी निकलती है सतलज, जो दोनों का लगभग करीब मतलब सिंधु और सतलज दोनों एक ही जगह से निकला हुआ नदी है। सतलज नदी जो निकलती है वो फिर जा कर करके चिनाब में मिलती है। तो सतलज में एक नदी आकर मिल रही है ब्यास, और सतलज कहाँ से आ रही है, राकस ताल मानसरोवर झील तिब्बत से आ रही है। इस तरह से सतलज आकर करके कहाँ मिल रही है, चिनाब में, और फिर चिनाब लेके कहाँ जा रहा है, सिंधु में। इस तरह से पांचों नदियां
इसमें मिला करके चिनाब में होते हुए चिनाब जाकर सिंधु में मिल जाती है और सिंधु जाकर के अरब सागर में गिर जाती है। इस तरह से हम मेनली छह नदी के बारे में जानते हैं जो सिंधु नदी तंत्र में आता है। इसमें तीन नदी जो देख रहे हैं आप, सिंधु, झेलम और चिनाब, ये तीन नदी का पानी पाकिस्तान को फायदा के लिए है। मतलब ये एक करार किया गया था नेहरू के समय के जवाहरलाल नेहरू के समय में और अयूब खान राष्ट्रपति थे उनके समय में हुआ था, जिसमें 1960 में ये बात हुई थी, तो उनके बीच में ये हुआ था। तो तीन नदी का पानी पाकिस्तान को और तीन नदी रावी, ब्यास और सतलज की पानी हिंदुस्तान को मिलने की बात हुई थी। इसमें छह नदी हैं। इस तरह से हम सिंधु नदी तंत्र के बारे में जान लेते हैं। अगले वीडियो में हम गंगा नदी तंत्र के बारे में जानेंगे और फिर ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में जानेंगे। और आप इसलिए लगातार वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर के आप देखेंगे, कंटिन्यू आपको इस नदी के बारे में, भारत नदी तंत्र के बारे में आपको मिलेगा वीडियो। और कोई कमी हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप इसके बारे में बताएं ताकि हम सुधार करें ना, और चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।